Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start new unit, unit number 8, electricity. Open your books dear, page number 68. Unit 8, electricity, bijli. इस यूनिट में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को हम किस तरह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किन चीज़ों से पास होती है और किन चीज़ों से पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह डेंजरस हैं और किस तरह हमारे लिए यूज़फुल हैं। फर्स्ट वी रिकॉल दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक किस्म है एनर्जी का, तवानाई का। इलेक्ट्रिसिटी तवानाई एनर्जी का एक किस्म है। मेंस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन अ पावर स्टेशन। इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन में प्रोड्यूस्ड पैदा होती हैं, वहाँ से फिर वायर्स और केबल्स के ज़रिए हमारे घरों तक आती हैं। बैटरीज एंड सेल्स आर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल अमाउंट्स। बैटरीज और सेल्स यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए छोटे मकदार में। बैटरीज और सेल में थोड़े से मकदार में बिजली को हम स्टोर करते हैं, जमा करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर लाइट्स। हम लाइट्स यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिजली इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी बिजली ख़तरनाक हो सकती है हमारे लिए। जब हम किसी बेयर इलेक्ट्रिक वायर को टच करते हैं तो उसकी वजह से हमें करंट लग सकता है, इसकी वजह से हम मर भी सकते हैं, इस वजह से ये डेंजरस हैं। Electricity is useful and we must not waste it. बिजली हमारे लिए मुफीद है, हमें फ़ायदा देती है, हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। घर में, स्कूल में, ऑफिस में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो लाइट्स, फैंस, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी चीज़ होती है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है तो उनको ऑफ़ करना चाहिए, उनको वैसे ही खुला नहीं रखना चाहिए कि ताकि बिजली ज़ाया ना हो। एंड यू विल लर्न इन दिस यूनिट दैट मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो मटेरियल्स, वो चीज़ें जिनसे बिजली पास होती है उनको कंडक्टर्स कहते हैं, और वो मटेरियल्स जिनसे बिजली पास नहीं हो सकती उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। आपने यूनिट नंबर 6 में भी पढ़ा था कि आप इन चीज़ों के बारे में यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे, तो ये हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। अ सर्किट नीड्स टू बी कंप्लीट एंड हैव अ पावर सोर्स टू वर्क। एक सर्किट को कंप्लीट होना ज़रूरी है, वो कंप्लीट होगा तो तभी उससे करंट पास होगा, और उसके लिए एक सोर्स ऑफ पावर का होना ज़रूरी है काम करने के लिए। मीन के सर्किट को पावर की ज़रूरत होगी, जब तक उसको पावर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं मिलती, करंट नहीं मिलेगा तो वो सर्किट काम नहीं करेगा। नाउ लुक एट हेयर, इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स अलोंग अ वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। बिजली जो एक तार के साथ, तार के अंदर फ्लो करती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, बिजली का करंट कहते हैं। वो बिजली जो तार के ज़रिए पास होती हैं, गुज़रती हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू सर्टेन मटेरियल्स। एक इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ कुछ चीज़ों से फ्लो करता है, उससे पास होता है। मीन के जो कंडक्टर्स हैं सिर्फ उसी से बिजली पास होती हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनसे बिजली पास नहीं हो सकती। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, मेंस इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ पावर स्टेशन। इट इज़ ब्रॉट टू आर होम्स थ्रू थिक वायर्स कॉल्ड केबल्स। ये आपने क्लास 2 में पढ़ा हुआ है कि जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो
पावर स्टेशन में प्रोड्यूस होती हैं और ये हमारे घरों तक केबल्स और वायर्स, मोटे तार होते हैं जिनको केबल्स कहते हैं, उनके ज़रिए हमारे घरों तक आती हैं। ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे बिजली पास होती हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनसे बिजली पास नहीं होती। सम मटेरियल्स लाइक मेटल एंड वाटर लेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम इजीली। कुछ चीज़ें जैसे कि मेटल, धातु और पानी, इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इनके ज़रिए से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर लेता है। दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, इनको कंडक्टर्स कहते हैं, इनसे बिजली पास हो सकती है। अदर मटेरियल्स लाइक रबर एंड वुड, दूसरे चीज़ें जैसे कि रबर प्लास्टिक का होता है और वुड लकड़ी, डू नॉट लेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम, इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। रबर और वुड से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, इनको इंसुलेटर्स कहते हैं, जिनसे बिजली पास नहीं होती उनको इंसुलेटर्स कहते हैं और जिनसे बिजली पास होती हैं उनको कंडक्टर्स कहते हैं। यहाँ पर आपको ये वायर दिखाया गया है, अगर आपने इस तरह कभी बिजली के वायर को, तार को देखा हो तो उसके अंदर इस तरह गोल्डन तार होता है जो जो मेटल का बना होता है, ये कंडक्टर होता है, इसके ज़रिए बिजली पास होती है और वो तार प्लास्टिक या रबर से कवर होता है, डिफरेंट कलर्स के वो होते हैं, उनको इंसुलेटर कहते हैं, वो प्लास्टिक होता है, इनसे बिजली पास नहीं होती। सर्किट्स, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट, वो रास्ता जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, पास होता है, उसको सर्किट कहते हैं। इस पिक्चर को देखें, ये एक सर्किट है, इसमें करंट यहाँ से स्टार्ट होता है, इस बल्ब को रोशन करता है और दोबारा इस सेल के अंदर जाता है, इसको सर्किट कहते हैं। ये पूरा एक रास्ता है, अगर इसमें कहीं पर भी गैप आ जाए तो फिर ये करंट इससे पास नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जंप नहीं कर सकती। ठीक है, जब इसमें गैप आएगा फिर इससे करंट पास नहीं होगा, और जब ये एक कंप्लीट सर्किट है, जब इसमें गैप होता है फिर वो इनकम्प्लीट सर्किट होता है। इस बैटरी के अंदर केमिकल होता है, उस केमिकल में चार्ज स्टोर होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज लेकर जाते हैं, यहाँ तक बल्ब के अंदर आते हैं। जब बल्ब उन पार्टिकल से एनर्जी ले लेता है तो फिर वो पार्टिकल्स दोबारा इस वायर के अंदर, इस सेल के अंदर जाते हैं, यहाँ से दोबारा वो एनर्जी लेते हैं और फिर यहाँ आके बल्ब को एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने के बाद दोबारा वो इस वायर के अंदर यहाँ सेल तक आते हैं। इस तरह ये पूरा एक रास्ता है जिसमें करंट फ्लो करता है और इसको सर्किट कहते हैं। अ सिंपल सर्किट कैन बी फाउंड इन थिंग्स वी यूज सच एज अ टॉर्च आर सम टॉयज। एक सिंपल सर्किट मौजूद होता है कई चीज़ों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टॉर्च या टॉयज, खिलौने, कुछ खिलौने और सिंपल टॉर्च होते हैं, छोटे टॉर्च जिसमें सिंपल सर्किट होता है, इनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, लुक एट हेयर, दिस इज योर होमवर्क, जनरल साइंस रिटन, ड्रा कलर एंड लेबल द डायग्राम फ्रॉम बुक पेज नंबर 68 इन योर रफ कॉपी। बुक पेज नंबर 68 को देखें, ये वाला डायग्राम आपने बनाना है, इसको कलर करना है, ये कंडक्टर हैं और ये इंसुलेटर हैं, इस तरह आप ड्रॉ करें और इसको कलर करें। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे।